जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब एम्स की रिपोर्ट सामने आई थी तो काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि उससे पहले एम्स के एक डॉक्टर ने यह कहा था कि 200% सुशांत के गला दबाकर जान ली गई है। लेकिन जब एम्स की रिपोर्ट सामने आई तो वकील विकास सिंह ने काफ़ी सवाल खड़े किए थे। इस पर ओपी सिंह भी काफ़ी गुस्सा थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और एक पुलिस ऑफिसर हैं। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से वकील विकास सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर तैयार रखी थी जो सीबीआई को पहुंचानी थी, और उसमें कुछ ऐसे सुशांत के परिजन मुख्य रूप से शामिल होने वाले थे जो उस चिट्ठी के साथ साथ अपनी गवाही भी देते और इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते कि सुशांत के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। लेकिन खबर यह सामने आई थी कि सुशांत के बहनोई ओपी सिंह, जो आईपीएस अधिकारी भी हैं, सीबीआई मुख्यालय पहुंचने वाले थे। वह वकील विकास सिंह की चिट्ठी के पहलुओं पर बात करने वाले थे, लेकिन पता चला था कि ओपी सिंह सीबीआई मुख्यालय नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपी सिंह क्यों नहीं गए थे मुख्यालय, इसके पीछे की जानकारी आपको दे दें कि ओपी सिंह के दफ्तर में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल आया था, यानी कि जहाँ पर सुशांत के जीजा काम करते थे वहाँ पर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल आया था। तो वो नहीं चाहते थे कि बिना अपनी जाँच और दूसरों की जान जोखिम में रखते हुए कहीं और जाया जाए, तो ऐसे में घर पर अपने आप को सुरक्षित रखना ही उन्होंने सेफ समझा था। और ऐसे में तब उन्होंने ये फैसला किया था कि सीबीआई के अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत होगी, और बातचीत के दौरान ही उनको सारी बात क्लियर करेंगे कि कैसे आपने पहले 200% का दावा किया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट कुछ और कहती है, उस पर सारे सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उन सब सवालों को झुठला दिया गया और सिर्फ एम्स की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी सीबीआई टीम ने। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कॉमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।